ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਮੰਗਣੀ ਨੂੰ। ਹਰਮਨ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਤੇ ਆ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੀ। आ कुड़ी नू ध्यान ना देख लो। बेबला जी ने कहा ये कुड़ी कदे भी उन्हां दे मुंडे दी मंगनी रोकन आ सकती है, ते इहनू आपां किसे भी कीमत दे विच घर दे विच दाखल नहीं होंदे ना, समझे? समझ गए उस्ताद। ते कुड़ी समझ के किते तरस ना कर लेना। वैसे कुड़ी है बहुत चला, पर असी एक भी इहदा जतन चलन नहीं देना। ठीक है उस्ताद जी। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਹਰਮਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ। ਬਿਮਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਯੁਵਰਾਜ ਪੱਠਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਚਲੋ ਰੋਕ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਮਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ, ਹਰਮਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਚੀਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਂਡਸਮ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
कौन आ तू जेड़ा साडे काम दे विच दखलंदाजी देन आ गया चंगी तरह देख ले ते पहचान ले मैनू युवराज हजिंदर पटल कहते ने सारे मेहमानों नूं मैं कहना चाहुंदी आ कि तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद तुसी सारे मेरे पुत्तर हरमन दी खुशी दा हिस्सा बनन लई इस फंक्शन विच शामिल होए हो अज दा दिन मेरे परिवार लई बहुत लकी है क्योंकि अज मेरे पुत्तर हरमन ते मनप्रीत दा रिश्ता हो रहा है मैं एंगेजमेंट रिंग्स लेके हुने आई तू सरगुन जी नू तक्का कितना मारिया सरगुन जी मेरा प्यार मेरी जान है मेरी जान नू कोई हाथ भी ला दे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा राज नहीं प्लीज शांत हो जा तू इन्हां नूं सबक सिखा चुका है नहीं सरगुन जी इन्हां नूं मैं छड्डांगा नहीं असीं इत्थे रूप दीदी दा घर वसान आए हां असली लड़ाई तां असीं अंदर जाके लड़नी है भाई जी गलती होगी अगे तो यह जी गलती नहीं करते माफ कर दो चलो उठो चलो युवराज तू बहुत गुस्से विच है तू प्लीज अंदर जाके भी शांत रही मैनू बोलन दे क्योंकि सानू सबर नाल काम लेना पेगा हुन एक दूजे नूं पाओ
ते अपनी नवी जिंदगी दी शुरुआत करो। मैं जानता सी कि सरगुन मेरी हेल्प लिए जरूर आऊगी। ये की हो रहा है बिमला जी? ये लोग कौन ने? तुसी फिकर ना करो, इस शहर विच एक बदमाश औरत है ते ओदे भेजे हुए चमचे ने, मैं इन्हां नूं हुणे ही बाहर कढ़दी आ। अज नहीं, जिथे हो उत्थे रुकेड़ो, नहीं तां आंटी जी असि इत्थे लड़न वास्ते नहीं आए, सिर्फ गल करन वास्ते आए हां। तुहानूं भी पता है कि रूप दीदी ते हरमनवीर जी एक दूजे नूं किन्ना प्यार करदे ने, फिर तुसी इन्हां दोवां नूं वक्ख-वक्ख क्यों करना चाहुंदे हो? घट्टो घट्ट रूप दीदी नूं हरमनवीर जी दे नाल एक बार गल तां करन दो। हुण की गल करनी है? मेरे पुत्तर दे तलाक दे कागजात ते साइन कीते ने इहने, ओदों तां इहने मिंट नहीं लाया, जे इन्ना ही सी तां मना कर देंदी ना, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਰੂਪ ਦਾ ਹਰਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਚਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੂੰਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। आंटी जी तुसी क्यों जिद कर रहे हो? नाले तुसी हुने हुने तक क्या कि तुसी अपनी मर्जी दे नाल इस कुड़ी दा व्याह वीर जी दे नाल करवा रहे हो, पर की तुसी एक बार भी वीर जी कोलो उना दी मर्जी पूछी कि ओ इस कुड़ी दे नाल व्याह करवाना चाहुंदे ने या नहीं? हरमन वीर जी बिल्कुल भी इस कुड़ी दे नाल व्याह नहीं करवाना चाहुंदे, क्योंकि वो इस कुड़ी नूं प्यार करदे ही नहीं, बल्कि वीर जी दे दिल तां अज भी रूप दीदी कोल ही है। बिमला जी ए कुड़ी की कह रही है? हरमन इस मंगनी तो खुश नहीं है? ओ कुछ नहीं, छड्डो इहनां नूं, इस कुड़ी दा तां दिमाग खराब है, बड़ा प्यार है ना इहनां दोवां च, तो मेरा सवाल हुण भी ओही है, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਰਗੁਣ 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 ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਉੱਤੋਂ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਸਰਗੁਣ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀਜੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਬਿਮਲਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋ। ਦੀਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਜੀਜੂ, ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਜੀਜੂ। ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ
एक पासे तुसी हो ते एक पासे सरगुण। सरगुण दा एक्सीडेंट होने दे बावजूद भी सरगुण इत्थे आई है सिर्फ तुहानू ये समझाउण लई कि तुसी साडी लाइफ दा खराब करो। तुसी सब कुछ जानते हुए भी मेरी मंगनी करा रहे हो। सरगुण साडा घर बचा रही है ते तुसी साडा घर उजाड़ रहे हो। चुप कर, तू एदी पड़ी पढ़ाई पट्टी बोल रहे हैं। ए तेनू बेवकूफ बना सकती है, मेनू नहीं। ए सब एक्सीडेंट दा ड्रामा कर रही है ताकि तेनू इमोशनल ब्लैकमेल करके तेरी मंगनी तुड़वा सके। पर मैं भी एदा होन नहीं देंगी। सरगुण, तेरी ये नौटंकी इत्थे नहीं चलन वाली। ए इमोशनल ब्लैकमेल तू अपनी सस नू कर जाकर। ते हुन तुसी सारे निकलो इत्थो, रंग च पंग ना पाओ। नहीं ते मैनू तुहानू सारियां नू इत्थों तक के मार के बाहर कढ़ना पएगा। तुसी आराम नाल गल करो आंटी जी। ध्यान रख युवराज, गुस्सा ना कर। तैनू पता है ना असी इत्थे लड़न वास्ते नहीं बल्कि रूप दीदी दी खुशियां वास्ते आए हां। युवराज, मेरे करके तैनू ते सरगुण नू बहुत कुछ बर्दाश्त करना पिया आ। हुण होर नहीं, आपां नू इत्थों चलना चाहीदा है। नहीं नहीं रूप दी, जिस काम दे लई असीं इत्थे आए आ ओह तां करके जावांगे ना। कुछ नहीं कर सकदी मैनू, तुहाडे वर्गे बदमाशां दे खानदान नाल कोई रिश्ता नहीं रखना। तू एक बारी फिर साबित कर देता है कि तू भी बदमाश है तां तेरी मां भी। ते अपनी मां दे कहण ते तू दूजियां दे घर जांदा है, बदमाशी दिखांदा है ते मार कुटाई करदा है। आंटी जी, मैं एक बार फिर कह रहा कि ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जे एक बार होर मेरी मां बारे बोले तुसी तां जो तुसी कीता ना रूप दीदी नाल वो किसे तो भी लुकिया नहीं है। तुसी जमानत ते बाहरों, भूलो ना रिहाई हजे होई नहीं है थोड़ी। असी इत्थे सिर्फ मंगनी तोड़न आया, लड़ाई करन वास्ते नहीं आए इत्थे। ते जे तू आराम नाल गल करनी है तां इत्थे खड़ा रह, नहीं तां बाहर चला जा। कल्ला हो नहीं, तुसी दोवे महारानियां भी निकलो इत्थों। जे हुन तुसी नहीं गए तां मैं पुलिस बुला के तुहानू इत्थों तक के मार मार के बाहर कढ़वावांगी। फिर रोक के दिखायो मंगनी। आंटी जी, ये मंगनी नहीं हो सकती क्योंकि रूप दीदी प्रेग्नेंट ने। चुप कर, मंगनी रुकवाने लई होर किन्ना गिरेंगी तू। तेरे बच्चे नूं तां तेरी मां ने मरवा दिता जहर देके ते इल्जाम मेरे ते ला दिता। हुण इह बच्चा जिंदा किद्दां ऐ, नाले आया कित्थों? आंटी जी, असी झूठ नहीं बोल रहे, थानू मैं समझानी आ। रूप दीदी दी कुक विच दो बच्चे सीगे। रूप दीदी नू फूड पॉइजनिंग होन करके इन्हां दे एक बच्चे दी मौत हो गई, पर एक बच्चा अजे भी जिंदा है। आंटी जी,